ये कहानी है एक बड़े ही जबरदस्त और ग्लैमरस हीरोइन की, जिसकी जिंदगी में बहुत उजाला रहा पर अंत तक पहुंचते पहुंचते पूरा अंधेरा। नाम इसका परवीन बाबी। जन्म 4 अप्रैल सन 1949 में हुआ। ये तो पहली मुलाकात है, दो चार मुलाकातें और होंगी तो रेनू की पर्सनालिटी की और तहें खुलेंगी आप पर। जन्म का स्थान जूनागढ़, गुजरात। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई माउंट कामिल हाई स्कूल अहमदाबाद में। बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज पहुंची ये, जहां पे इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन की। इनके वालिद साहब वली मोहम्मद खान बाबी जूनागढ़ नवाब के दीवान हुआ करते थे और माँ का नाम जमाल बख्ते बाबी। परवाज भाई, कल हमें जो पैसे मिले हैं उसमें से आप मौलाना साहब का किराया चुका दीजिए, बेचारे बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। परवीन का जन्म इनके माँ बाप की शादी के 14 के बाद हुआ था और ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। हालांकि परवीन बाबी मात्र 10 की ही थी जब इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। दिल दारा इस दुनिया में नहीं रहा। ओह माय गॉड, सो सैड। परवीन बाबी के करियर की शुरुआत हुई सन 1972 में, जब ये बतौर मॉडल दुनिया के सामने आई। लंबी चौड़ी कदकाठी, बहुत ही प्यारा न्यारा चेहरा और गजब का हुस्न। ये वो वक्त भी था जब फिल्म चरित्र में इन्होंने शुरुआत की और इनके ऑपोजिट थे क्रिकेटर सलीम दुर्रानी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काम ना कर पाई, लेकिन परवीन बाबी के हुस्न ने कमाल कर दिया था। इनकी पहली बड़ी हिट रही अमिताभ बच्चन के साथ आई फिल्म मजबूर। परवीन बाबी उन गिनी चुनी हीरोइंस में से रही जिन्होंने जीनत अमान के साथ मिलकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन का रूप ही बदल के रख दिया। इनकी फोटोग्राफ टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर भी छपी थी। परवीन बाबी ने कुछ हटके फिल्में भी की और कुछ जबरदस्त कमर्शियल फिल्म्स भी, जैसे कि विनोद पांडे की फिल्म ये नजदीकियां और मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथनी। फिल्म दीवार में भी अमिताभ बच्चन की हीरोइन यही थी। अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी की फिल्में खूब बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया करती थी। वो नशा क्या जो उतरते ही बदन टूटने लगे, अगर नशा करना ही है तो ऐसा नशा कीजिए जो सूरज की तरह डूबता ना हो, तारों की तरह टूटता ना हो और फूलों की तरह मुरझाता ना हो। वैसे भी शराब को संगीत की नजाकत ना गवारा है। यश चोपड़ा के फिल्म सिलसिला के लिए परवीन बाबी और स्मिता पाटिल का चयन हुआ था, लेकिन बाद में रेखा और जया बच्चन इस फिल्म की हीरोइंस बनकर आईं। परवीन बाबी हर तरह की पोशाक पहन लिया करती थीं, बड़े अनोखे सीन्स भी करती थीं, चाहे वो हॉट सीन्स रहे या फिर सीधे साधे साधारण। एक बात कहूं? कहिए ना। उस रात आपको जगन सेठ के साथ देखकर कुछ अजीब सा लगा। क्यों? वो लोग अच्छे लोग नहीं है। सुहाग, काला पत्थर, नमक हलाल, काला सोना, इन सभी फिल्मों में परवीन बाबी की एक्टिंग को बहुत सराहा गया। कविता हूँ जी, नहीं हूँ। देखिए, कई माँ बाप बड़े चंट होते हैं, वो अपने बच्चों के नाम के पीछे जी लगा देते हैं ताकि कोई पुकारे तो लगे कि उनकी बड़ी इज्जत है, जैसे कि बैनर्जी, चैटर्जी, कल्याण जी, आनंद जी। आप हंस लीजिए, बाद में बैठकर बातें करते हैं। शुक्रिया। पर धीरे धीरे परवीन बाबी फिल्मों से दूर होने लगी। वजह बताई गई एक ऐसी बीमारी जिसका इन्हें इल्म ना था। होना क्या है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है और जिंदगी यूं तमाम हो रही है। कुछ लोगों ने कहा कि पैरानोया स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त थी परवीन बाबी, यही वजह थी कि फिल्मों से दूर जा रही थी। एक दिन अचानक इनके पेट में भयंकर दर्द उठा, ये अपने मेकअप रूम में बैठी थी और उसके बाद ये घर गईं। इनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और किसी के ऊपर भी ये विश्वास नहीं करती थी। हालांकि उस जमाने के मॉडल और एक्टर कबीर बेदी के साथ इनका रिश्ता खूब चर्चा में रहा, पर ये रिश्ता जब टूटा तब परवीन बाबी भी टूट गईं। उसके बाद मशहूर फिल्म मेकर महेश भट्ट का कंधा इन्हें मिला। कुछ वक्त के बाद महेश भट्ट भी इनकी हालत न संभाल सके। उस जमाने के मशहूर अध्यात्म गुरु यूजी कृष्णमूर्ति का साथ इन्हें मिला, जिसके बाद परवीन बाबी धीरे धीरे फिल्मों में फिर वापस आने लगी।
जो फिल्में अधूरी छोड़ दी थीं, उन्हें पूरा करने लगी। कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? जानते हो तुम्हारी मौत की खबर सुनकर मुझ पर क्या गुजरी थी? सारी दुनिया तुम्हें बुरा कहती और मैं बेबस जिंदा रहने की सजा भुगत रही थी। लेकिन उसके बाद फिर से पैरानोया स्किज़ोफ्रेनिया का नया अटैक आया और ये फिल्मों से दूर चली गई। बाद में ये बतौर इंटीरियर डेकोरेटर भी काम करने लगी, लेकिन ये बदलती गईं और बाद में जाकर तो इन्होंने अपना धर्म भी परिवर्तित कर लिया। परवीन बाबी जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध देखी, सुपरस्टारडम देखा, पर जब मौत आई इन्हें तब ये एकदम अकेली थीं, कोई ना इनका दोस्त ना सहेली। 20 जनवरी सन 2005 को इनकी मृत्यु हो गई और कुछ दिनों तक तो किसी को मालूम भी ना पड़ा। फिर कुछ पड़ोसियों की नजर पड़ी कि काफी दिनों से दूध की बोतलें बाहर रखी हैं, न्यूज़पेपर भी भारी है, और तब पुलिस को बुलाया गया और अंदर मिली परवीन बाबी की लाश। वो दृश्य इतना भयावह था कि किसी को यकीन ही ना आया यही है वो ग्लैमरस हीरोइन जिसके लोग इतने दीवाने हुआ करते थे। परवाज़ भाई, भगवान के लिए शेर शायरी बंद की। अब बंद कर दी, बहुत थक गए हैं, थोड़ी चाय पिलवा दीजिए। परवीन बाबी जैसी अभिनेत्री ना थी और ना ही कोई होगी। ये दास्तां है उस हीरोइन की जिसने भारतीय सिनेमा की हीरोइन का रंग रूप ही बदल के रख दिया। 70 और 80 की दहाई में इसने वो काम कर दिखाया जो आगे जाकर और भी हीरोइंस का रास्ता बना। नाम है इनका जीनत अमान। बाबा क्या पहचाना आपने। इनका जन्म हुआ 19 नवंबर सन 1951 शहर मुंबई। पिता का नाम अमानुल्लाह खान और माँ का नाम स्किंदा। इनकी माँ एक मराठी परिवार से ताल्लुक रखती थी और पिता एक राजसी परिवार से। जीनत अमान की परवरिश और तरबियत शुरुआत में तो मुंबई शहर में ही हुई, पर जब ये बहुत छोटी ही थी तब इनके माता पिता अलग हो गए और इनकी माँ ने एक जर्मन आदमी से बाद में शादी कर ली। जीनत अमान जब बहुत छोटी ही थी तकरीबन 13 बरस की, तब इनके पिता अमानुल्लाह खां का इंतकाल हो गया। अमानुल्लाह खां वही जिन्होंने मुगले आजम और पाकिजा जैसी फिल्मों के डायलॉग्स लिखे। वो अपने आप में एक बहुत दमदार शख्सियत रहे। इस बात पर भी गौर करना होगा, जीनत अमान के रिश्ते में भाई लगते हैं जबरदस्त विलेन रजा मुराद। तुम जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें कहीं मेरे साथ चलना है। अरे क्या बात है भाई, आज हमें जहाँ जाना है वहाँ वक्त हमारा इंतजार नहीं करेगा। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई पंचगणी में हुई और उसके बाद आगे की शिक्षा के लिए ये अमेरिका गईं। इन्होंने कई ब्यूटी पेजेंट्स जीते और बहुत ही कम उम्र में मॉडलिंग की शुरुआत कर दी। इनके वालिद के दोस्त जाने माने फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर ओपी रलहन ने जीनत अमान और कबीर बेदी को कास्ट किया था फिल्म हलचल में। हालांकि उस फिल्म ने इनके करियर के लिए कोई खास कमाल नहीं दिखाया था और उसके बाद वो फिल्म आई जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। वो रोल जिसे बड़ी बड़ी हीरोइन से ठुकरा दिया, चाहे वो जाहिदा रही या फिर तनुजा। Now, what can I do for you, lady? सभी चाहती थी कि वो देवानंद की हीरोइन बने, उनकी बहन नहीं। और देवानंद साहब की नजर जब जीनत अमान पे पड़ी तो वो समझ गए कि यही वो लड़की है जो फिल्म हरे राम हरे कृष्णा में जसबीर उर्फ जेनिस का किरदार निभा सकती है। यही तो देखना है लेडी। जीनत अमान पे फिल्माया हुआ गाना दम मारो दम बड़ा मकबूल हुआ। फिल्म हरे राम हरे कृष्णा ने कमाल कर दिया। इत्तफाक की बात यह है, जीनत जी की वालदा चाहती थी कि ये लोग लौट जाएं विदेशी जहां से आए थे, वहीं पे जाकर आगे की जिंदगी बिताएंगे। देवानंद साहब ने इन्हें रोका और कहा कि यदि फिल्म हरे राम हरे कृष्ण हिट हुई तो यहां पे तुम्हें बहुत काम मिलेगा, तुम पलट के ना देखोगी। और ठीक वैसा ही हुआ। उसके बाद इनकी वालिदा ने बहुत बड़ा त्याग किया, वो जीनत अमान के साथ भारत में ही रुक गई। जीनत अमान उन हीरोइंस में से रहीं जिन्होंने साड़ी पहनी तब भी बेहद खूबसूरत लगी, बिकिनी में आई तब भी बेहद खूबसूरत। एक से बढ़कर एक सेंसुअस सीन रहा या फिर इमोशनल सीन या फिर रही कॉमेडी, जीनत अमान का हर एक रूप ऑडियंस को बेहद पसंद आया। फिल्म कुर्बानी, फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम और इंसाफ का तराजू को कैसे भुलाया जा सकता है, जो बहुत ही बोल्ड किरदार थे। एक से बढ़कर एक सुपरस्टार की ये हीरोइन बनी। और कमाल की बात यह है कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो खुद बहुत बड़े डायरेक्टर्स भी थे उनके साथ इन्हें काम करने का मौका मिला। जैसे मनोज कुमार के साथ ये नजर आई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में, राज कपूर के साथ नजर आई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में। और ये किस्सा भी बड़ा निराला है, राज कपूर के साथ ये किसी फिल्म में काम कर रही थी और राज साहब अक्सर रूपा रूपा का जिक्र किया करते थे कि फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की हीरोइन रूपा ऐसी होगी और वैसी होगी। अजी आपके जो कहानी सुनाना चाहता हूँ बहुत ही उम्दा है, तबीयत खुश हो जाएगी सुनके आपकी। एक दिन जीनत अमान ने रूपा का ही रूप धर लिया और उसी वेशभूषा में ये पहुंच गई आरके स्टूडियो राज कपूर साहब से मिलने के लिए और कहा कि राज साहब मुझे लगता है आपकी रूपा ऐसी ही होगी।
जैसी पोशाक मैं पहनकर आई हूँ, जैसा रंग रूप मैंने अभी धरा हुआ है। राज कपूर बड़े मुतासर हुए। उन्होंने अपनी बीवी कृष्णा जी से कहा कि आ जाओ, जीनत को देखो, इतनी बड़ी स्टार होकर भी कितनी मेहनत करती है। राज कपूर की वाइफ कृष्णा जी ने कुछ सोने की गन्नियां दी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के साइनिंग अमाउंट स्वरूप। इस फिल्म ने भी बहुत सुर्खियां बटोरी। उस वक्त प्रेस में कुछ इस तरह के आर्टिकल्स भी आए जिससे जीनत अमान का दिल बहुत टूटा। ये बात सही है कि देवानंद साहब की बहुत सी फिल्मों में ये नजर आई, राज कपूर साहब की फिल्मों में भी, फिरोज खान साहब की फिल्मों में भी, और बड़े से बड़े एक्टर के साथ इन्होंने काम किया, चाहे वो शशि कपूर रहे कि अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना रहे, फिरोज खान या फिर संजय खान। पर एक वक्त ऐसा आया जब इन्हें अपनी शादी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ा। जीनत अमान का ब्याह हुआ अपने जमाने के मशहूर अभिनेता मजहर खान से। मोहब्बत करने वाले टूट जाते हैं मगर झुकते नहीं। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए जिनके नाम हैं अजान खान और जहान खान। दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जीनत अमान को उस वक्त यह अंदाजा भी नहीं था कि मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल का ये पेजेंट तो जीत रही हैं और आगे जाकर ये वो बुलंदियां छूलेंगी जिसका ख्वाब बहुत सी हीरोइंस देखेंगी। जीनत अमान के निजी जीवन में काफी दुख रहे, खासतौर पर जब इनकी शादी हो गई। कुछ वक्त के लिए फिल्म इंडस्ट्री से दूर भी हुई, पर उसके बाद सन 1999 में ये नजर आई एक फिल्म में जिसका नाम रहा भोपाल एक्सप्रेस। इन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। उसके बाद भी कुछ फिल्में करीं और स्टेज पर भी इन्होंने कुछ काम करना शुरू किया। इन्हें फिल्म हरे राम हरे कृष्णा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। सत्यम शिवम सुंदरम और इंसाफ का तराजू के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला। सही मायनों में जीनत अमान उन खूबसूरत अभिनेत्रियों में से रहीं जिसने बॉलीवुड में हीरोइन की परिभाषा पूरी तरह से बदल के रख दी। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।